नागपुर के दीक्षा भूमि में धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में बौद्ध अनुयायी शामिल हुए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को विजयादशमी के दिन अपने लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उसी दिन डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ मुख्य मंच के सामने सामूहिक बुद्ध वंदना की। इस दिन को मनाने के लिए हर साल बौद्ध अनुयायी धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाते हैं। अनुयायियों ने कहा कि उन्हें गौरव का अनुभव हो रहा है कि वे आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनके पद चिन्हों पर चलना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। अपनी दीक्षा ली थी, इसलिए यहाँ का नाम दीक्षा भूमि पड़ा है। और यहाँ पर हर जगह से, प्रत्येक शहर से लोग आते हैं और अपना इस भूमि में, इस पावन भूमि में अपना माथा टेक कर जाते हैं। हम बहुत खुशनसीब है कि हम नागपुर शहर में रहते हैं और हमें ये मौका मिला है दीक्षा भूमि में यहाँ रहने का। और मैं हमेशा आकर दीक्षा भूमि में अपना बहुत खुशनसीब समझती हूँ। मैं 10-15 साल से आ रही हूँ दीक्षा भूमि पर। आज 67 वर्ष हो गए हैं जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने यहाँ पर नागपुर में आके दीक्षा ली थी। और दीक्षा लेने के बाद नागपुर ये पवित्र स्थान ही हो गया है हमारे लिए। और जब भी यहाँ से बाहर लोग, बाहर देश से लोग आते हैं शहर से, और यहाँ पर जब जमा होते हैं पावन भूमि पर, तो बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। और यहाँ पे जब दर्शन के लिए, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आज एक महामानव के दर्शन के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। उस महामानव को जिसने हमें एक उच्च दर्जा दिया, और दर्जा देने के बाद हमें एक स्वतंत्रता प्राप्त हुई कि आज हम आज इस काबिल हुए कि ऐसे समाज को एक आगे का दर्जा प्राप्त होकर हम सभी यहाँ पर जमा होते हैं। आज हमें एक साथ रहने के लिए और एक साथ सारी चीज़ें करने के लिए जो प्रोत्साहन मिला, जो उस सारी चीज़ों के लिए हम यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पवित्र भूमि पर जमा होते हैं। आज दीक्षा भूमि स्मारक समिति और समता सैनिक दल की उपस्थिति में भदंत आर्य नागार्जुन सुराई ससाई के नेतृत्व में सामूहिक बुद्ध वंदना किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों बौद्ध अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाओं का वाचन कराया गया। इस अवसर पर समता सैनिक दल ने पंचशील ध्वज फहराया और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।